Good morning students, welcome back to online classes of Bhagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the part of excretory organs, excretory system apan ne padha, jisme apan ne parts padhe the, kidneys padhe the apan ne, hai na, ureters, urinary bladders aur urethra, hai na, ye apan ne padh liye the. Continue kar rahe the apan nephrons ki structures ko, to structures of nephron padh rahe the apan. Nephrons kya hoti hai dekhiye. Each kidney has many filtration units called the nephrons. बहुत सारी filtration units होती हैं kidneys में जो filter करती हैं blood को, उसे कहते हैं nephron. Nephrons are the also structural and functional unit of kidneys. Nephrons ही structural और functional unit भी होती है kidneys की. तो देखिए nephrons क्या होती है. Nephrons are the clusters of many thin capillaries called the glomerulus. Nephrons क्या होती है. Nephrons के अंदर एक थिन कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, उनका क्लस्टर होता है. ये क्लस्टर क्या कहलाता है. ग्लोमेरुलस कहलाता है. इट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इट इज एसोसिएटेड विद द कप लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज मोमेंस कैप्सूल. और ग्लोमेरुलस जो होता है वो एसोसिएटेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर से. ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको कहते हैं मोमेंस कैप्सूल्स. इट टर्मिनेट्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स. और ये टर्मिनेट कर रहा है ट्यूबुलर पार्ट को, ठीक है. मोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और टर्मिनेट कर रहा है, तो एक लूप बनता है नेफ्रॉन्स का, जिसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले. तो इट कंटेन्स ग्लोमेरुलस, मोमेंस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले. नेफ्रॉन्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है. अब अपन बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी की. ये काम कैसे करता है नेफ्रॉन. फिल्ट्रेशन का काम करेगा, तो फिल्ट्रेशन का काम करता है नेफ्रॉन. तो इसकी प्रोसेस क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसकी अपन बात करते हैं. तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये है मोमेंस कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस. इस पे क्या आ रही है, रीनल आर्टरी इंटर कर रही है, रीनल आर्टरी, ठीक है. रीनल आर्टरी क्या करेगी, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी, कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलॉन्ग विद द सम इम्प्योरिटीज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वो भी इसके साथ अदर सब्सटेंस जो है वो इसके साथ इम्प्योर होकर यहाँ पर आ जाते हैं. अब फिल्टर क्या होगा, ब्लड. तो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी और ब्लड जो है प्योर होकर वापस बॉडी में चला जाएगा. तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स थ्रू द रीनल आर्टरी अलोंग विद द सम इम्प्योरिटीज़ लाइक यूरिया, यूरिक एसिड. सबसे पहले आया ब्लड, इसके साथ ही क्या है ब्लड में, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉल्ट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो इसके साथ है. तो जैसे ही ग्लोमेरुलस में आएगा, ये ग्लोमेरुलस क्या करती है, फिल्टरिंग यूनिट्स हैं यहाँ पर, तो ये फिल्ट्रेशन का काम करेंगी. फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, जो फिल्ट्रेट बचता है वो फिल्ट्रेट कहाँ आ जाता है, फिर ट्यूबुलर पार्ट में सीक्रेट होने लग जाता है और ब्लड जो है फिल्टर हुआ वो वापस रीनल वेन से चला जाता है, ठीक है. अब फिल्ट्रेट कहाँ आ जाता है, इस ट्यूबुलर पार्ट में आ जाता है. इस ट्यूबुलर पार्ट की स्पेसिफिसिटी कह सकते हैं अपन, स्पेशलिटी होती है कि जो भी होते हैं सब्सटेंसेस वो उनकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे वो क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब होते रहते हैं. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रहती है कुछ और, फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा, तो डिफ्रेंशिएट कॉन्सेंट्रेशन रहती है सब्सटेंसेस की और उनके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब होते रहते हैं, ठीक है. फिर अपन बात करते हैं नेफ्रॉन्स की. तो देखिए पीसीटी है, प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, ये प्रॉक्सिमल लिम, ये डिस्टल लिम, और ये जो होता है लास्ट में यूरेटर्स में जब खुलता है तो वो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट. फिर अपन बात कर रहे हैं रीनल आर्टरी ब्लड लाएगी, उसके साथ क्या है, कुछ यूरिया, यूरिक एसिड, इम्प्योरिटीज भी है उसके साथ. अब क्या होता है, जो भी फिल्टर है ग्लोमेरुलस क्या करेगा, फिल्टर करेगा. फिल्टर करने के बाद जो भी बचता है फिल्ट्रेट वो कहाँ जाता है, ट्यूबुलर पोर्शन में. ट्यूबुलर पोर्शन क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट के साथ क्या रहती है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो होती है, वेन रहती है, वो इसको क्या करती रहती है, फिल्ट्रेट जो है उससे लेती रहती है. अब फिल्ट्रेट में क्या हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स हैं, वो उनको क्या करेगी, फिल्टर करके रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगी. मान लीजिए यहाँ पर यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, अमीनो एसिड्स, यहाँ पर ग्लूकोज जो है क्या हो गए, रीअब्जॉर्ब्ड हो गए, यहाँ पर अमीनो एसिड रीअब्जॉर्ब्ड हो गए. मैंने बोला ना कि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती है, उनके बेसिस पे इनको क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है. यहाँ पर मान लीजिए एक्सेस वाटर है,
ज़्यादा एक्सेस वाटर होता है तो ये क्या करेगी, यहाँ पर इसको कॉन्सेंट्रेट करके इसको यहीं पर रीअब्सॉर्ब करेगी, फिर यहाँ पर फाइनली क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन चलता रहता है, एब्जॉर्प्शन के बाद भी रीअब्सॉर्प्शन चलता रहता है, जिससे क्या होता है कि जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है, और जो मतलब बेनिफिशियल जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उनको भी क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। फिर जैसे ही अब जो भी फिल्ट्रेट है वो कहाँ पहुँच रहा है, इस ट्यूबुलर पार्ट में, है ना, तो जो फ्लोइंग पार्ट अब बच रहा है जिनमें इम्प्योरिटीज़ क्या हो गई है, फिल्ट्रेट हो गई है, सारी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, यूरिया यूरिक एसिड यही बचा हुआ है, बाकी अमीनो एसिड जो बेनिफिशियल पार्ट थे, सब्सटेंस है, उनका क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन। तो बचा हुआ जो भी फ्लोइंग पार्ट है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में उसको कहते हैं यूरिन। अब जो बचेगा कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो क्या बचेगा, यूरिन। फिल्ट्रेशन होना था यहाँ पे हो गया, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है यहाँ तक हो जाता है, ग्लूकोज अमीनो एसिड सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक्सेस वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एक अगर हेल्दी पर्सन की अपन बात करते हैं तो 180 लीटर्स जो फिल्ट्रेट है वो करता रहता है ब्लड, लेकिन एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो खाली 2 लीटर जो है वो एक्सक्रीट करता है, मीन्स कि 180 और 2 लीटर, तो 178 लीटर्स क्या करता है, वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर फ्लोइंग पार्ट क्या हो जाता है, यूरिन। यूरिन है, अब कहाँ पहुँचता है यूरिन, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, लीव करेगी किडनी को, और कहाँ पहुँचती है, यूरेटर्स में। यूरेटर्स के बाद यूरिन कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है और कंट्रोल होता है बाय द नर्व्स टिश्यूज, नर्व टिश्यू है उनसे कंट्रोल होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, कुछ समय के लिए प्रेशर को एग्जस्ट करता है जिसकी वजह से जो भी यूरिन है वो आगे की तरफ बढ़ता है, फिर यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से फिर वो आउटसाइड, कुछ समय के लिए यूरिथ्रा क्या करता है, उसको टेम्परेली स्टोर करता है और फिर बाहर कर दिया जाता है। तो ये फिजियोलॉजी है, वैसे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है क्लास अपनी, उसमें अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, 3 प्रोसेसेस होती हैं उसमें, वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये अपन ने पढ़ी थी आज कुछ फिजियोलॉजी नेफ्रॉन्स की, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन।